हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का। और आज के समय में और स्पेशली लॉकडाउन के बाद से जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनवाना, बच्चों को जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाना, उनको जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उसको सॉल्व करवा, बिल्डिंग ब्लॉक्स से नई नई चीज़ें बनवाना, पजल होती है पजल पीसीस या तो जिक्सो पजल जिसको बोलते हैं उसको सॉल्व करवाना, या तो डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट जो है उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करना, उस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाने वाली कंपनियां बहुत सारी हो गई है। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स जो है खुल चुके हैं। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट के बेस पे हम जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं। प्रोडक्ट तो नहीं है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ यूजफुल स्टोन्स है हमारे पास, ग्लिटर वाले जो है डिफरेंट शेप्स है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो है कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके के स्टोन्स जो होते हैं इंडिविजुअल भी आते हैं, जैसे कि ये वाला स्टोन है वो अलग से मिलता है, ये वाला मिलता है, तो बट उसमें दिक्कत ये होती है कि बच्चों को भी जो है ना उनका यूज़ करके इस तरीके की क्रिएटिव डिज़ाइन जो है कैसे बनाई जा सकती है, उसका थोड़ा सा क्रिएटिविटी हर एक बच्चे में नहीं होता है दोस्तों। तो उनके लिए ये रेडीमेड रेडीमेड जो इस तरीके का पूरा जो है क्रिएशन किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली अपने जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड बनाया है या तो कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट पेपर पे उन्होंने लिखा है, प्रोजेक्ट बनाया है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो डायरेक्टली उसकी बॉर्डर बना सकते हैं, या तो कोई भी कुछ भी करना हो तो ये डिज़ाइन रेडी है, सीधा इसको चिपकाना ही होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी दोस्तों मिल जाएगी। इसकी कीमत जो है 15 से 20 रुपये के बीच में एक की रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे इसमें एक एक इस तरीके की डिज़ाइन है, उसके बाद ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और डिज़ाइन मिल जाती है। उसके बाद ये यार आपको बहुत ही मतलब आपके बच्चों के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसको सजाने में और उनको मार्क्स ज़्यादा लाने में बहुत ही यूज़फुल हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और अभी जो है यहाँ पे ये रेडीमेड है, अगर मे बी फ्यूचर में आपके बच्चों की क्रिएटिविटी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है तो वो अपनी खुद की भी कुछ नई डिज़ाइन जो बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये जो इसमें स्टोन्स यूज़ किए हैं उसके भी अलग पत्ते आते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो जो है बनाया है वो, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा मैं किस तरीके की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी खुद की भी कस्टम डिज़ाइंस बना सकते हैं, जैसे कि स्टार हो गया, ये मोती हो गया यहाँ पे, फिर ये डायमंड है, तो उसका मिक्सअप करके कुछ नया डिज़ाइन जो है बना सकते हैं इसमें से आइडिया लेके। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का भी आपको ये मिल जाता है डिज़ाइन। और लास्ट में वैसे तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं अभी, बट हमारे पास जो है टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का है फ्लावर, तो ये हो गई इसकी 6 डिज़ाइंस। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ना ग्लिटर फॉर्म शीट्स आती है, तो उसमें से कटआउट करके ये लोग जो है इस तरीके की क्राफ्ट के रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये भी जो है 15 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक का आप लोगे तो वैसे भी एक कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादातर बेचता नहीं है, इसमें 10-15 डिज़ाइन का एक जो है कॉम्बो पैक बना के ज़्यादातर बेचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो आपको सही भी रहेगा क्योंकि आपको जो है बहुत सारी वेरिएशंस भी मिलेगी डिज़ाइंस के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके का गोल्डन ग्लिटर स्टार है, फिर यहाँ पे हार्ट एंड स्टार है कॉम्बिनेशन में, फिर यहाँ पे डिफरेंट शेप्स सॉरी डिफरेंट हार्ट्स हैं रेड कलर के, यहाँ पे फिर इससे थोड़े से बड़े वाले स्टार है रेड कलर के, फिर ये भी एक तरीके के स्टार्स हैं काफ़ी बड़े हैं, फिर यहाँ पे स्टार्स के अंदर मिक्स कलर्स आ जाते हैं, मिक्स हार्ट वाले कलर्स जो है उससे छोटे हार्ट वाले कलर्स हैं, फिर यहाँ पे गोल्डन हार्ट है, उसके अलावा बटरफ्लाई है, फिर यहाँ पे जो है इस तरीके के बड़े स्टार्स हैं, तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली ये स्टार्स जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो क्रिसमस के टाइम पे डेकोरेशन में बहुत यूज़ होता है। फिर यहाँ पे हार्ट है, तो यहाँ पे किसी को आप अपना क्या बोलते हैं कि प्रेम या तो लव जो है उसको व्यक्त करना चाहते हो, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई डिज़ाइन आप बना रहे हो तो इसके बेस पे भी आप कुछ बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारी इसमें और भी डिज़ाइन से हमने उसके भी वीडियोज़ जो है बनाए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और इसको ख़रीदने की बेस्ट बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और अभी क्या है ना कि हम दो चीज़ें कर रहे हैं कि इस तरीके की आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके कॉम्बो पैक भी बनाए हैं, जो कि थोड़ा सा आपको महंगा इनिशियली लगेगा, बट आपके
बच्चों के हमारे मतलब हमको जो है इसमें काफ़ी समय हो चुका है और हमको पता है कि पूरे साल में जो है बच्चों को किस किस तरीके की आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसके बेस पे हमने एक पूरा एक पैकेज बनाया है जिसके अंदर सब चीज़ें आ जाएगी। उसके अंदर ग्लू भी आ जाएगा, उसके अंदर जो है सीजर्स आ जाएगी, उसके अंदर क्राफ्ट पंच आता है वो आ जाएगा, फिर ये सब चीज़ें आ जाएगी, डिफरेंट स्टिकर्स आते हैं बच्चों को प्रोजेक्ट करने के लिए वो भी आ जाएंगे, क्राफ्ट पेपर्स आ जाते हैं और बहुत सारे जैसे कि गुगली आइस है, पॉम पॉम है, मोती अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पूरे साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होती है। तो उसका हमने एक कॉम्बो पैक भी बनाया है, तो उसको भी आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो है ना मंथली एक कॉन्टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पे करते हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो उसमें जो है पार्टिसिपेट करने करते समय भी जो है आप चीज़ों को मंगवा सकते हैं कि भाई जैसे कि कई बार क्या होता है कि भाई हमने यहाँ पे क्या है कि DIY क्या बोलते हैं कि खिलौने बनाने का एक कॉन्टेस्ट है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल जो होता है उसमें से आप जैसे कि बबल मशीन बनाओ, या तो फिर एक तलवार बनाओ, स्वॉर्ड बनाओ, या तो फिर क्या बोलते हैं कि खटारा बना दो वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स में से, तो इस तरीके की बहुत सारी इसमें हमने जो है चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है। और मंथली मंथली जो है हम करते हैं, उसमें मिनिमम 100 पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं, और तो उसमें भी बेसिकली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा देख लीजिए क्या किया जा सकता है, आपको इंटरेस्टेड है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। सो थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ऑसम, स्टे क्रिएटिव।